ये अंकल जी के ब्रेड पकोड़े। ये अंकल की गर्मा गर्म टिक्की, ये ग्रीन चटनी डाली अंकल ने, रेड सॉस। आज कैसे सीखा आपने? ये सीखा, ये मतलब हलवाई का वो करते हैं काम, तो फिर था ब्रेड को मतलब फ्राई करेंगे और उसके बाद हम खाएंगे। जैसा कि हम अंकल जी के ठेले पे आए हैं, तो अंकल जी टिक्की बना रहे हैं, ब्रेड पकोड़े हैं, और क्या क्या बताया था आपने? मूंग की दाल के ब्रेड पकोड़े। आपने सुना होगा कि हमेशा आलू के ब्रेड के पकोड़े होते हैं, और अंकल जी बना रहे हैं मूंग की दाल के पकोड़े। और अंकल ने ये तैयार कर रहे हैं अभी अंकल। अच्छा, ये दाल है तो ये इतनी गीली रहेगी? अच्छा अच्छा ये इसमें डिप किया जाएगा। ओके ओके ओके, तो ये इसमें डिप किया जाएगा, उसके बाद अंकल उस ब्रेड को मतलब फ्राई करेंगे और उसके बाद हम खाएंगे। क्या बना रही हैं आप? ये मैडम ये बना रहे हैं मूंग दाल चीला। मूंग की दाल का चीला? हाँ जी। अच्छा, ये तो बिल्कुल पिज्जा जैसा लग रहा है। हाँ जी। और उसमें क्या क्या मिक्स किया है, क्या है ये? हमारे वेजिटेबल। अच्छा, होता है इसमें गाजर, चुकंदर। ओके, गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी। अच्छा, पत्ता गोभी। हाँ जी। ओके, कब से लगाया ये आपने? ये मेरे मतलब को जी कितना टाइम हो गया काम किए? ये एक साल हो गया मेरे को। एक साल? हाँ जी। तो कितने बजे से कितने बजे तक चलती है? तो मैडम शाम को 5 बजे से अच्छा 9 बजे तक चलता है। अच्छा, 9 बजे तक चलता है। हाँ जी। ओके, ये कितने रुपए प्लेट है? ये 30 रुपए प्लेट है मैडम। अच्छा, 30 रुपए प्लेट। हाँ, तो ये दो वैरायटी हैं। हाँ, वेजिटेबल्स मूंग दाल चीला और पनीर देसी घी। हाँ जी। इसमें क्या क्या मिक्स किया आपने? इसमें हमारी मूंग की दाल होती है और हमारे कुटे में मसाले होते हैं घर के, लाल मिर्च और ये अजवाइन वगैरह, राइट? अजवाइन भी होती है, हींग। अंकल की गर्मा गर्म टिक्की, ये ग्रीन चटनी डाली अंकल ने, रेड सॉस। अंकल किसी टिक्की में दही भी डालते ना आप? दही नहीं यूज करते? चांदनी चौक वाले में दही नहीं। अच्छा, दही यूज नहीं करते? चांदनी चौक वाले में दही नहीं। अच्छा, तो आप ये नीचे वाला देसी घी से बनाते हैं या ऊपर वाला? ये भी ये मैडम उसमें है, वनस्पति में। अच्छा अच्छा, और देसी घी भी है मेरे पास। अच्छा, फिर तो वो महंगा होगा पनीर। 50 रुपए का है मैडम वो। अच्छा, पनीर का 50 रुपए का है देसी घी में। ठीक है भैया, लग तो बिल्कुल पिज्जा जैसा रहा है अभी। हाँ जी। ये देखिए, ये पिज्जा तैयार हो गया हमारा। ये कितने देर में बन जाता है ये मैडम? इसमें 5 मिनट में। अच्छा, ओनली 5 मिनट? ओनली 5 मिनट में बन जाता है। ओके, तो आप इसमें और क्या क्या डालते हो? बस सॉस वगैरह? इसमें खट्टी मिर्च। अच्छा, चटनी आती है हमारी। ओके ओके, तो आप खुद बनाते हैं या खरीदते हैं? खुद ही बनाते हैं ये हम। ये लाल चटनी आ गई। ओके, ये आ गई पुदीने की चटनी हमारी। ओके, पुदीने की? हाँ जी। बस बस बस, ये देखिए, ये रेडी हो गया हमारा चीला और अब हम इसे खाते हैं। मस्त है, बहुत अच्छा बनाया भैया आपने। थैंक यू मैम। ये अंकल जी के ब्रेड पकोड़े मूंग की दाल का, और अंकल ने इसके पीसेस पीसेस किए हैं, और इसमें हाँ आलू कचौड़ी जैसे, और ये हमारा हो गया है रेडी। अब हम इसे खाते हैं। फिर उसके बाद पीसते हैं। अच्छा, फिर हाँ उसके बाद ये सारे मटेरियल इसके मसाले डालते हैं, फिर अपना जो बैटर है मूंग दाल चीले का वो तैयार हो जाता है। ओके। हाँ जी।
बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।